अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये दिन है जी आज 28 तारीख, 8वां महीना 2021। तो आज हम जा रहे हैं, मेरी जिंदगी की फर्स्ट बाइक राइड होगी जो कि स्कर्दू तक होगी। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है स्कर्दू का। उसके लिए जी मैं ये सामान अपने साथ लेके जा रहा हूँ जो कि मैंने पैक कर लिया हुआ है। स्लीपिंग बैग है, एक स्टिक है, मेरा बैग, हेलमेट और ये सीट का, ये सीट है जो मैं अपने साथ सामान लेके जा रहा हूँ। यहाँ से हम जाएंगे फैसलाबाद बाइक पे और वहाँ से लेंगे बस पे बाइक लोड करेंगे और उससे आगे फिर जाएंगे जी रावलपिंडी। रावलपिंडी से बाइक उतारेंगे और इंशाल्लाह ताला फर्स्ट नाइट जो स्टे होगा हमारा वो नारंगगांव पे होगा, कैंपिंग पे। उससे आगे फिर जो सफर होगा तो आपको अगली वीडियोस में पता चलता रहेगा कि कैसे कैसे हम गए और कहाँ कहाँ हमने स्टे किया। ये जी अभी चार्जर्स और पावर बैंक वगैरह और लाइट्स वगैरह रखनी रहती हैं, तो मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ दोस्त का कि वो बताए कब तक निकलना है। तो मैं सोच रहा था कि मोबाइल थोड़ा सा और चार्ज कर लूँ, इसलिए मैंने ये ऐसे रख दिया। तो इस रोड ट्रिप के लिए जो मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, तो ये मेरी बाइक तो नहीं है, वो इसे आप नहीं लेके जाएंगे अभी फिलहाल। इस पे थोड़ा सा मुझे डाउट फील होता तो इसे नहीं लेके जाएंगे। तो मैं लेके जा रहा हूँ जी अपनी ये 125 होंडा सी जी। तो इसे मैंने स्लीपिंग बैग बांध दिया और ये पीछे कोई सीट है, मैंने कुशन रखा हुआ है और बैग जो है मैं अपने कंधों पे लगा के अभी इंशाल्लाह निकल के फिर आपको रोड पे ही मिलेंगे। चलें जी गाइस, तो अपना इंशाल्लाह ताला हम निकल पड़े हैं रोड ट्रिप के लिए। तो ये है मेरे साथ से आगे जो है वो है हनी भाई, तो ये मेरे जो आगे हैं तो ये मुआज भाई हैं। तो ये हम तीन बंदे हैं जो जा रहे हैं बाइक पे। तो अभी हमारा प्लान ऐसा है कि हम जाएंगे यहाँ से फैसलाबाद और वहाँ से देखेंगे कि बस पे लोड करके मोटरसाइकिल मानसेरा या अहमदाबाद वगैरह तक जा सके। ये प्लान है हमारा, अभी देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला कैसे बनता है और क्या होता है। अभी मैंने जाना है बाइक का फ्यूल जो है वो फिल करवाना है और मेरा जो बैग सिलेंडर वगैरह, ये सिलेंडर वगैरह भी जो है वो मिल चुका है सारा, तो दोबारा सेट करेंगे अभी पेट्रोल वगैरह फिल करवा। अस्सलाम वालेकुम, 200 तक करेगा, 200। तो ये हाल हुआ है, सारा सामान जो है वो खुल भी चुका है, तो सिलेंडर भी हमारा गिनने से बच गया है। तो अभी दोबारा से आगे से टाइट करेंगे, रस्सी जो है वो स्लिप हो चुकी है, तो दोबारा बांधेंगे इसे। ये काम है एक तो मतलब ये ठीक से बन जाए ना। बैग सही नहीं है, बैग भी साइड में निकले, बैग टेढ़ा कर दिया। सामान वगैरह बांधने के बाद जी हम निकल चुके हैं फैसलाबाद के जाना। तो मेरे आगे जो है जी मुआज भाई हैं, तो राइट हैंड पे जो है हनी भाई हैं। तो हनी भाई ने पीछे वो बांधा हुआ है जो किसे कैंप कहते हैं, कैंप बांधा हुआ है, और मुआज भाई ने पीछे अपना सामान और कैंप के लिए मैट्रेस बांधा हुआ है। तो हम अपने साथ लेके जा रहे हैं जी, एक अदर कैंप है हमारे पास, उसके मैट्रेस हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं, ताकि हमें अगर कहीं पर रुक के कैंप लगाना पड़े तो हमारे सोने का इंतजाम हो सके। तो सारा सामान हमने वो रखा हुआ है और मेरे पीछे एक सिलेंडर है खाना पकाने के लिए। तो हमारे पास जो बाइक्स हैं वो तीन बाइक्स हैं, जो कि एक यामा 125 है, एक होंडा का 125 है और एक सुजुकी की GS 150 है। तो ये तीन बाइक्स हैं, इन तीनों बाइक्स का मुकाबला समझ लें या इम्तिहान समझ लें, पता चल जाएगा जिस इलाके में हम जा रहे हैं तो वहाँ पर कौन सी बाइक है जो कामयाब है। फैसलाबाद पहुंच चुके हैं जी
और मुआज भाई का जो बाइक का टायर है वो पंचर हो गया, सामने खड़े वो पंचर लगवा रहे हैं दुकान पे। तो हम इधर खड़े हो गए हैं, रस्सियां वगैरह चाहिए थी सामान बांधने के लिए, वो ले गए सामान वगैरह बांध रहे हैं। तो हमारे इर्द गिर्द लोग भी इकट्ठे हो गए हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कौन सी बाइक्स हैं आपके पास, जो हेलमेट में आपने क्या लगाया हुआ है। पंचर वगैरह लगाने के बाद तो हम लारी अड्डा आ गए हैं ये यहाँ देखने के लिए कि कौन सी बस जो है वो रावलपिंडी जा रही है और हमारा सामान साथ लेके जाएगी। तो एक अड्डे से पता करने के बाद दूसरा अड्डे पता किया है, तो हमें कोई बस नहीं मिली। तो मुआज भाई कह रहे हैं कि मैं तीसरे अड्डे से भी पता करूँगा। तो तीसरे अड्डे से भी पता करने के बाद भी हमें एक बस मिली है, लेकिन वो जा रही थी शाम 3 बजे 4 बजे, और हमारी बाइक्स भी साथ लेके जाएगी, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था। तो हमने कहा कि जी हम बाइक्स पे ही निकलते हैं इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए। तो फिर हम बाइक्स पे निकल गए। तो यहाँ जी मुआज़ भाई की बाइक का पेट्रोल जो था वो ख़त्म हो गया था और वो खड़े थे। तो मैं पीछे से आ रहा था, तो मैंने कहा जी मैं धक्का लगा देता हुआ और आपको पेट्रोल पम्प तक ले जाता हूँ। ये जी हमारे ट्रिप का मुआज़ भाई को पहला धक्का था। लॉन्ग रूट पे यार यहाँ से जी हम तीनों ने अपनी टैंक जो है वो फुल करवा ली है। तो मेरी टैंक जो है वो 1000 रुपये में फिल हो गई थी, तो हनी भाई की तकरीबन 1500 में और मुआज भाई की भी तकरीबन 1500 में, क्योंकि वो जो टैंक हैं वो बड़े हैं। तो अभी देखते हैं कि ये टैंक कहाँ तक चलते हैं। अभी हम जी शेखोपुरा शहर के अंदर इंटर हो चुके हैं, तो यहाँ से फिर गुजरांवाला जाएंगे। तो हाँ सामने आ गया गुजरांवाला लिखा हुआ, तो इधर से गुजरांवाला की तरफ। शेखोपुरा शहर मेरे जो है लेफ्ट हैंड पे है, सीधे हमने निकल जाना है गुजरांवाला की तरफ। क्या आपको भी मज़े करवाऊँ ठीक आपको भी पता चले कि कैसे कैसे रोड से गुजरना पड़ता। तो ये बिल्कुल ही कच्ची रोड, बिल्कुल मिट्टी ही मिट्टी है आगे पीछे, हर तरफ बाइक भी यहाँ पे स्किड करी है भाई ये नरम मिट्टी होगी होती है ना जो वो है, तो अब ठीक है। शुक्र है जी गंदी रोड जो है वो ख़त्म हो गई है और साफ कारपेट रोड आ गई है। तो अब मज़ा आ रहा है यहाँ पे बाइक चलाने का। पीछे तो बस हो गई थी, इतनी मिट्टी थी, इतनी मिट्टी थी, क्या बताएं आपको, कैमरे पे भी वो मिट्टी नज़र नहीं आई होगी। तो हम पहुँच चुके हैं जी गुजरांवाला टूर प्लाजा पे। तो अभी हम ये गुजरांवाला सिटी के अंदर है,
आई लव गुजरांवाला और ये मेरा गुजरांवाला माल है। वैसे आपस की बात है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था गुजरांवाला शहर इतना डेवलप्ड होगा। जिस सड़क को मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो आप फ्लाईओवर देख सकते हैं, यहाँ से तो लगता है कि ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड शहर है। ये जो पुल क्रॉस कर रहा हूँ ये तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा पुल है ये। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी राह वाली गेट पे, कैंटा है जो, तो वहां पे ये टैंक सामने खड़ी हुई है। ये है जी दरे चनाब। तो हम गुजर रहे थे तो रास्ते में हमें पड़ा है जी, तो हम खड़े हो गए यहाँ पे खूबसूरत मंजर देखने के लिए। क्या ही खूबसूरत मंजर है। फाइनली जी पिंडी पहुंच चुके हैं, तो रूम ले लिया हमने। तो हनी भाई बैठे आराम कर रहे हैं। तो ये 3 बेड का रूम है और एसी रूम है, तो इसके साथ अटैच बाथरूम है और ये भी है, तो इस्तेमाल हमारे आएगा नहीं वैसे। तो कितने का रूम है ये? 2800 का पर नाइट भरा है हमें 3 बंदों का ये रूम एसी वाला। तो अभी हमने जाना है खाना खाने के लिए। तो वैसे बस हो गई है, सुबह से सफर करने लगे हुए हैं तो थोड़ी सी डिहाइड्रेशन भी हो चुकी है, फील हो रहा है। ना दो के जी हम फ्रेश हो गए हैं, तो अभी जाने हैं खाना खाने रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट पे। है नहीं भाई फूड स्ट्रीट ठीक। तो गाइस कैसी लगी है आज की वीडियो? तो अभी हम खाना खा के वापस आए हैं, तो मेरा बाइक जो था वो पंचर हो चुका था। तो पूरी पिंडी से कहीं भी हमें पंचर वाला नहीं मिला, तो एक पेट्रोल पंप में बैठा था तो वहां से हमने पंचर लगवाया। तो अभी बज चुके हैं 2, तो मैं अपना डाटा वगैरह ट्रांसफर करके अब सो जाऊंगा। तो आज की वीडियो यही तक होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और इसे करें दोस्तों के साथ शेयर। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।